नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। टेंडर के बाद भी NH-39 के शुरू नहीं हुए काम। ढाई महीने पहले सीधी सांसद रीति पाठक ने किया था भूमि पूजन। अधूरे निर्माण कार्य बने लोगों के लिए जानलेवा। पुरानी ठेका एजेंसी ने 5 साल के बाद छोड़ दी थी अधूरे में काम। दोबारा दूसरी ठेका एजेंसी को काम मिला है। रोजाना हजारों ट्रक सीधी सिंगरौली से जाते हैं यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़। विराट 24 की टीम ने 80 किलोमीटर मुआयना किया, जहां कहीं भी काम शुरू नहीं हुआ है। 20 सालों से नहीं बन सकी यह नेशनल हाईवे। 5 दिन पहले गोपतपुर में हुआ था बड़ा हादसा। रांची से रीवा को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे नंबर 39 एक दो नहीं पिछले 20 सालों से एक पहली और चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन 20 साल पहले वाली रोड की खराब हालत आज भी है। सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक अपने पहले कार्यकाल से ही सीधी सिंगरौली 4 लेन निर्माण के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन उनके द्वारा दोबारा सांसद बनने के 3 साल बीत गए, लेकिन 8 साल से प्रयास जारी है, उसका नतीजा अभी 0 है। डेली गाड़ी तोड़ फोड़ कर रही रोड आज 10 साल से ऐसी है, कहीं भी कांकर मट्टी भी नहीं डाल रहे हैं, गड्ढे पर गड्ढे, भी मशीन अभी नहीं पड़ी है कहीं भी, अभी कोई काम नहीं। 2 महीने बीत गए उद्घाटन के, अरे वो कभी दिखाई नहीं दी, एक भी मशीन भी, एक भी डामर भी, एक भी गिट्टी भी नहीं, कैसे हम लोग बहुत ज़्यादा भैया ये रोड बहुत परेशानी है, परेशानी का बताओ, यही परेशानी है 10-15 साल से, ये रोड ऐसे ही है, बात है, गढ़े गढ़ा है, गाड़ी पर तोड़ फोड़ करती है, गाड़ी इधर से आना भी बंद कर दिया है, काम नहीं है। तो 2 महीने पहले उद्घाटन हुआ था, नेताओं ने उद्घाटन किया था, नेताओं ने किया, लेकिन हम लोग कोई दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, वह नहीं, तब क्या बताएं कहाँ काम हो रहा है। हाँ, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा है। तो आप लोग मजबूरी में आ रहे हैं इधर से, मजबूरी है तो आना पड़ेगा। गाड़ियों का नुकसान भी बहुत हो रहा है, गाड़ी बहुत नुकसान हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र सिंह। पिछले 20 सालों से कई बार वादे हुए मगर सड़क नहीं बनी। 10 साल पहले एक बड़ी कंपनी ने सीधी सिंगरौली के 4 लेन रोड का टेंडर लिया और कुछ सालों बाद वह कंपनी भी अधूरे में काम छोड़कर चली गई। फिर उसके बाद सीधी सिंगरौली सांसद ने फिर कोशिश की तो 3 साल बाद दोबारा 350 करोड़ का टेंडर हुआ, जो सेडोल की कंपनी को काम मिला। 2.5 महीने पहले 8 अक्टूबर 2021 को भूमि पूजन हुआ, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। विराट 24 की टीम ने सीधी से बरगवां तक का पूरा मुआयना किया, कहीं कोई काम नहीं चल रहा है। जियावन ढाबे के आगे एक पोकलेन मशीन और 2 वाहन खड़े हैं, जिससे लग रहा था कि 10 साल में भी यह रोड नहीं बन पाएगी, जहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। 5 दिन पहले गोपत पुल जो सीधा सीधा रपटा है, बाहर नीचे गिर जाने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। निश्चित रूप से इसमें विशेष प्रयास रहा है मेरा, मैंने व्यक्तिगत रूप से जितना हो सका है मैंने पूरा प्रयास किया है। आज हम इस रोड को शुरू करने की स्थिति में पहुंच गए हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने मुझसे 1 महीने का टाइम मांगा था अपने चीज़ों को सेटअप करने के लिए, कुछ मशीनरीज को लाने के लिए। 1 महीने का टाइम उनको मिल चुका है, 15 से 20 दिन का टाइम आप समझ रहे हैं कि ये पितृपक्ष चल रहा है, और इस समय में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं शुरू कर सकते, और ये हमारे लिए बहुत प्रतीक्षित रोड है, इसलिए शुभ दिनों के अवसर का बस प्रयास है। 7 या 8 तारीख को हम इसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जैसा आप आदरणीय मंत्री जी के संज्ञान में रहे, और हम सब मिलकर इसका निश्चित रूप से, क्योंकि 7 को बैठकी है, सभी लोग व्यस्त रहेंगे, इसलिए ये मेरे मन में है कि 8 तारीख का समय उचित रहेगा। माननीय विधायक जी से भी मेरी चर्चा हुई है, और हम सब मिलकर इसका भूमि पूजन करेंगे और इस रोड की। आपको बता दें, 1 हफ्ते पहले NCL ने एक मीटिंग ली थी, कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग ली थी सड़क को लेकर, और उसमें माननीय विधायक जी भी थे, और बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उसमें इतनी बड़ी कंपनी NCL और NTPC और हमारे कलेक्टर साहब किसी की भी इच्छा शक्ति यह जाहिर नहीं की कि सड़क पर भी कार्य होना चाहिए। उन्होंने सारा दोष यहाँ के लोकल ट्रक ऑनरों को और ट्रक मालिकों को दिया, जब सड़क ही नहीं है, खेत में आज ट्रक चल रही है, जहाँ ट्रैक्टर भी जाके फंस जाए वहाँ ट्रकें चल रही हैं, तो आप समझिए कि ट्रक का व्यवसाय कितना सरवाइव करेगा इस क्षेत्र में। आपको मैं बता दूं कि रोज इस सड़क पे अब तो अल्टरनेट मार्ग भी खत्म होता जा रहा है इस जिले का, और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय नितिन गडकरी साहब, जो कि इस देश के सबसे अच्छे
मंत्री माने जाते हैं कि उनके मंत्रालय में इस देश में लगभग बताया जाता है कि 14 किलोमीटर प्रति घंटे से सड़कें बन रही हैं एनएचआई की, लेकिन वह भी इस NH-39 के मुद्दे पर जाकर चुप हो गए और उन्होंने क्लियर कह दिया कि यह मेरे पूरे जीवन काल का सबसे फेलुअर प्रोजेक्ट रहा है, इसमें कम से कम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को डूब मरना चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनके खिलाफ उनके ही पार्टी का मंत्री बोल रहा है। यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अरे सांसद जी की तो हर बातें हवा हवाई हैं, आप 7 सालों में देखे होंगे NH-39 के रिपेयरिंग मेंटेनेंस और ये वो के नाम पे सांसद जी ने कितनी बार भूमि पूजन किया, और जब जब भूमि पूजन किया है तब तब इस रोड की और दुर्दशा हुई। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करूंगा सांसद महोदया से कि अगर उन वो और उनके लोग इस सड़क की चर्चा जिस दिन बंद कर देंगे शायद यह सड़क बन जाएगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज, धन्यवाद। शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया, वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।